अमेरिका के एक बहुत ही बड़े बिलियनर और कोच इंडस्ट्रीज के फाउंडर चार्ल्स कोच का मैंने एक कोट पढ़ा। उन्होंने कहा, टू डू मीनिंगफुल वर्क इज टू कॉन्ट्रीब्यूट टू क्रिएट वैल्यू इन सोसाइटी। अगर आप प्रिविलेज्ड इनफ हैं और सोसाइटी को किसी ना किसी वे में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे काफी कम लोग हैं जो इस बारे में सोचते भी हैं। जहां पे लोग ग्रीडी, सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश होते जा रहे हैं, वहां पे आप सामने आकर जो नीड में है उनकी हेल्प कर रहे हैं। आपकी ये स्टोरी, आपके ये अचीवमेंट्स एक अक्नॉलेजमेंट डिजर्व करते हैं, एक रिकॉग्निशन डिजर्व करते हैं, जिससे आपके आसपास के लोग, इनफैक्ट पूरे देश में जो भी अंडर प्रिविलेज है, उनकी मदद हो या सोसाइटी के किसी पर्टिकुलर सेक्शन की मदद। आपकी स्टोरी इंस्पायर कर सकती है जेनरेशंस को। योर एफर्ट्स डिजर्व एन ऑनर। जिस रिकॉग्निशन की मैं बात कर रहा हूं, ये रिकॉग्निशन बहुत से ऐसे लोगों को भी मिला है जिनको आप भली भांति जानते हैं। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, महेंद्र सिंह धोनी, रतन टाटा, इन सभी लोगों को अपनी फील्ड में अपने अचीवमेंट्स और एफर्ट्स के लिए ये रिकॉग्निशन मिला है, और ये रिकॉग्निशन आपको भी मिल सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये रिकॉग्निशन आपको मिलेगा कैसे? वेल, ऑनररी डॉक्टरेट इज योर आंसर। एक ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री आपकी हेल्प करती है अपने एफर्ट्स को रिकॉग्निशन मिलाने में। आज मैं इस वीडियो में एक ऐसे ही इंसान की बात करने वाला हूं जो अपने प्रोफेशनल सेक्टर के आइकॉन हैं और जिन्हें अपने एफर्ट्स के बेसिस पे ऑनररी डॉक्टरेट मिला। साथ ही साथ हम इस वीडियो के एंड में बात करेंगे कि कैसे आपको मिल सकता है ऑनररी डॉक्टरेट। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना एक मिनट निकाल के इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एमले के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी पूरी टीम पूरा एफर्ट करती है आपके सामने एक अच्छा कंटेंट लाने में, और आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है टू कीप डूइंग बेटर। मिस्टर संजय कुमार मिश्रा, सॉरी, डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा एविएशन बाबा एरो सर्विसेज के फाउंडर और चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और एविएशन इंडस्ट्री की एक बहुत ही बड़े वेटर। डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा 20 साल से इस इंडस्ट्री में बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं। डॉक्टर मिश्रा अपने पूरे करियर में बहुत सी एविएशन प्रोजेक्ट्स मैनेज कर चुके हैं और एविएशन इन इंडिया एंड अब्रॉड को भी हैंडल कर चुके हैं। डॉक्टर मिश्रा एक मार्केट लीडर हैं जो मास लीडरशिप में अपनी एक्सपर्टीज रखते हैं और साथ ही साथ एयरक्राफ्ट की सेलिंग और परचेज में भी उनकी एक्सपर्टीज है। इसके साथ साथ वो काफी टाइम से एक सोशल वर्कर भी है। उनकी पूरी जर्नी का एक डिटेल्ड वॉक थ्रू दिया गया है उनकी बायोग्राफी में, जो एमले क्रिएट करता है अपने हर ऑनररी डॉक्टरेट क्लाइंट के लिए। डॉक्टर मिश्रा को अपने करियर के अचीवमेंट्स के दम पर ऑनररी डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया और एमले को भी मौका मिला उस पूरे वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस को कवर करने का और उनसे बात करने का। तो आइए जानते हैं डॉक्टर मिश्रा से ही कि कैसा रहा उनका ये एक्सपीरियंस। A big round of applause for Dr. Sanjay Kumar Mishra. सबसे पहले तो धन्यवाद सारी एमले टीम का जिन्होंने यहाँ तक मुझे पहुँचाया, क्योंकि उससे पहले मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर लेता हूँ। एविएशन की जर्नी मेरी 86 ऑनवर्ड स्टार्टेड थी जब मैंने इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग करने के बाद भी मैंने एयरलाइंस में बतौर इंजीनियर काम किया। उसके बाद धीरे धीरे पहला फेस मेरा ये था कि मैंने एयरक्राफ्ट लीजिंग और परचेजिंग का काम स्टार्ट किया। फिर उसके बाद कैबिन क्रू एकेडमी, जहाँ पे कि दूर दराज, जैसे पहली कैबिन क्रू एकेडमी मेरी वाराणसी में थी। वाराणसी से फिर धीरे धीरे हम लोगों ने मेट्रो कवर करते हुए फिर नेक्स्ट फेज़ में हमने अपना फ्लाइंग क्लब लॉन्च किया फिलीपींस में। फिलीपींस में फ्लाइंग क्लब करने के बाद फिर हमने MRO स्टार्ट किया। MRO के बाद में फिर अभी हम लोग कार्गो ऑपरेशन में एंटर करने जा रहे हैं। तो ये तो था एक एविएशन सेक्टर। 20 साल का मेरा एयरलाइंस में काम करने का अनुभव था जो कि काफ़ी सुखद रहा और जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी और उसी चीज़ को शायद इम्प्लीमेंट करने का मौका मिला इन चीज़ों में, जैसे कैबिन क्रू में या MRO में या जितनी भी चीज़ें आज तक हम लोग कर रहे हैं या इन प्लांट हैं।
मेन मकसद ये नहीं था कि यहाँ पे आकर के डॉक्टरेट लेता, मेन मकसद ये था कि किसी तरीके से जो हमारे दूर के गांव के लोग हैं जिनको एविएशन की एबीसी नहीं पता थी और उनको हम लोग अपने सेमिनार के माध्यम से या जिस तरीके से भी उनको यदि जोड़ सकते हैं एविएशन में, क्योंकि आज भी गांव का बच्चा जिसको एविएशन के बारे में कुछ भी पता नहीं वो आता है यहाँ पे और वो बेचारा एक उसके लिए बहुत दूर एक लकीर हो जाती है जिसको कि वो कहीं से भी अचीव नहीं कर पाता है, या अचीव भी करता है तो बहुत सारे जितनी भी चीज़ें हैं उसको बहुत फेस करना पड़ता है। तो हम लोगों ने गांव में या बहुत सारे स्टेट्स में जा जा करके स्कूल में और हर तरीके से जहाँ जहाँ बच्चों को एविएशन की ग्रूमिंग देनी थी वहाँ वहाँ पे हम लोगों ने अपनी टीम के माध्यम से और ख़ुद भी वॉलंटियर के तौर पे हम लोगों ने निःशुल्क सेवा प्रदान की हुई, यही था। और ये एक एमले टीम के माध्यम से जो यूनिवर्सिटी ने ऑनर दिया हुआ उसके लिए पूरी एमले टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो देखा और समझा आपने डॉक्टर मिश्रा के इस एक्सपीरियंस को, डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा की तरह आप भी एलिजिबल हो सकते हैं एक ऑनररी डॉक्टरेट के लिए। एमले के थ्रू अभी करवाइए अपना नॉमिनेशन फाइल, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग ऑनररी डॉक्टरेट तो आप कॉन्टैक्ट करिए इस नीचे दिए गए नंबर पर। याद रखिए, फ्यूचर जनरेशंस विल जज अस बाय नॉट व्हाट वी से बट व्हाट वी डू। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो यहाँ पे खत्म करता हूँ। I hope you found it productive and worth your time. If you did, then don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel, and also make sure you press that bell icon for further updates. Thank you.